नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 24 मई 2022 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात होगी दोस्तों प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट 2022 की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। आप लोगों को देखिए दलालों से सावधान रहना है। जी हाँ, देखिए आजकल रिजल्ट आने वाला है या कॉपियाँ चेक होने वाली, तो हो क्या रहा है कि नंबर बढ़वाने के लिए बच्चे भैया कोई 10,000 रुपये दे रहा है, कोई 5,000 रुपये दे रहा है। तो पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। DLED स्कॉलरशिप स्टेटस यहाँ देखिए, अगर अभी तक आपने अपने स्कॉलरशिप का स्टेटस नहीं देखा है कि स्कॉलरशिप आएगी नहीं आएगी, तो उसके लिए हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है जहाँ से आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ डालकर अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस देख पाएंगे। रिजल्ट कब तक आएगा इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। एक और बड़ी अपडेट, सूबे में खाली पड़े 7,000 पदों पर जल्द हो सकती है शिक्षक भर्ती। पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। बाकी फेल छात्रों के लिए जो भी बड़ी खबर होगी उस अपडेट को देखेंगे। सुपरटेट नौकरी का पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए बीएड बाहर होने से क्या होगा फायदा, इसकी अपडेट भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग देखिए वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप लोग डीएलएड के स्टूडेंट हैं, अगर आप चाहते हैं कि डीएलएड को प्राथमिकता मिले और बीएड बाहर हो जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती से, तो भैया आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। नहीं तो हो क्या रहा ना, देखिए बीएड के बच्चों को टीजीटी में अभी मौका मिला था, आप लोगों को ये बात पता है। अभी एलटी उनकी एक वैकेंसी आने वाली है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर डीएलएड छात्रों का नुकसान हो नुकसान देखिए ऐसे होगा ना कि यहाँ पर डीएलएड के छात्रों को मौका मिलेगा नहीं, टीजीटी में मौका मिला नहीं, एलटी में मौका मिलेगा नहीं। तो सीधी सी बात है, डीएलएड के बच्चों का नुकसान होने वाला है। तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपको मौका मिले तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। डीएलएड 2019-2021 बैच की जो भी बड़ी खबर होगी उसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बाकी दोस्तों देखिए, सरकार ने मुक्त विश्वविद्यालय खोलने की राह आसान की है, इस अपडेट को भी हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद देखिए इस अपडेट को पहले देखते हैं, जो 7,000 पद खाली हैं। अपडेट प्रयागराज से, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट की प्रयागराज में हुई बैठक में टीजीटी पीजीटी और प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को भरने की मांग की गई है। रिक्त पदों के ना भरने से शैक्षणिक कार्यों में बाधा आ रही है। संघ के प्रदेश संरक्षक डॉक्टर हरि प्रकाश यादव ने कहा कि चयन बोर्ड को अधियाचन भेजा गया है, इसके बावजूद भर्ती का विज्ञापन नहीं निकाला जा रहा है। बालतन चौराहा स्थित पार्क में हुई बैठक में संरक्षक डॉक्टर हरि प्रकाश यादव ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रवक्ता पीजीटी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी और प्रधानाचार्य के करीब 7,000 पद रिक्त हैं। प्रदेश के लगभग सभी विद्यालय में कुछ न कुछ शिक्षकों के पद रिक्त हैं। भर्ती न होने से शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बात और आपको समझनी पड़ेगी, यहाँ पर दोस्तों पीजीटी या टीजीटी ये सब की बातें हो रही, तो सिंपल सी बात, यहाँ पर फायदा किसको मिलेगा, बीएड के छात्रों को मिलने वाला है, यहाँ पर डीएलएड के बच्चों को मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए आप लोग को समझ में आना चाहिए कि भैया कहाँ पर आपको मौका मिल रहा है, कहाँ पर आपको मौका नहीं मिल रहा। एक और अपडेट की, सरकार ने मुक्त विश्वविद्यालय खोलने की राह आसान की है। जी हाँ दोस्तों, उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाने की दिशा में सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है। देश में मुक्त विश्वविद्यालय खोलने की राह आसान बना दी है। अब सिर्फ 5 एकड़ के विकसित भूखंड पर ही मुक्त विश्वविद्यालय को खोलने की मंजूरी मिल जाएगी। अब इसके लिए क्या होता है कि 40 से लेकर 60 एकड़ विकसित भूखंड होना जरूरी था। तो ये दोस्तों बड़ी खबर जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। अब जरा इस अपडेट को भी हमने आपके सामने रखा था कि देखिए जब 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती का पेपर हुआ था, तो उस समय टोटल 4,31,000 से ज़्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें से 4 लाख से ज़्यादा बच्चे परीक्षा में सम्मिलित हुए। उसके बाद उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, उत्तीर्ण का मतलब ये था दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए जो पासिंग मार्क रखी गई थी वो 97 नंबर 150 में, बाकी आरक्षित वर्ग OBC हो, SC हो, ST कैटेगरी के छात्र हो, इन बच्चों को पास होने के लिए 90 नंबर। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के अंतर्गत आते थे तब भी आपको पास होने के लिए 90 नंबर लाना जरूरी कर दिया गया। यहाँ पर एक और दोस्तों रिजल्ट में जो बड़ी बात थी ना वो ये थी कि DLED करने वाले छात्रों की संख्या जो थी वो 38,610 थी। मतलब दोस्तों अगर आप सोचिए टोटल पद कितने थे, 69,000 भर्ती थी ना, तो 69,000 में 38,000 DLED के छात्रों सिलेक्शन आराम से हो जाता अगर BEd के बच्चों को यहाँ पर मौका ना मिलता। अगर दोस्तों बात करें बीएड में पास होने वाले छात्रों की संख्या, तो आप देख सकते हैं 97,368 बच्चे पास हुए हैं। सोचिए डीएलएड से डबल बच्चे बीएड में पास हो रहे हैं। अगर बीएड के छात्रों को आज नई भर्ती से बाहर कर दिया जाता है तो भैया सीधा फायदा इसका डीएलएड के छात्रों को ही मिलेगा। तो गाइस इसीलिए पूरा मामला कोर्ट में पहुँच चुका है, बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे।
देखिए एक और सवाल था कि भैया प्रैक्टिकल का क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, अभी तक बहुत से ऐसे कॉलेज होंगे प्रथम सेमेस्टर में जहाँ प्रैक्टिकल नहीं हुआ। तो देखिए प्रैक्टिकल एक तरह से क्या होता है, एक फॉर्मेलिटी है। जी हाँ दोस्तों, अधिकतर प्राइवेट कॉलेज में क्या होगा, सब कुछ आपसे पैसे ले लिए जाते हैं। प्रैक्टिकल में आप जाएंगे, नाम मात्र कुछ एक दो सवाल पूछा जाएगा, लेकिन नंबर पहले से फिक्स कर दिया जाता है कि आपको नंबर कितना देना है। आपको दोस्तों बताना चाहेंगे, टोटल 800 नंबर का हमारा पेपर होता है डीएलएड का, जिसमें से 525 नंबर आपके प्रैक्टिकल के हैं। तो भैया 525 में हम आपके 100 नंबर टीचिंग के भी जोड़ के बता रहे हैं, ठीक है? नहीं तो आप ऐसे कर सकते, 425 नंबर कॉलेज के हाथ में है, 100 नंबर आप टीचिंग जो भी सर या मैडम वहाँ से आप नंबर लेंगे। अगर आप देखिए 525 में 520 नंबर तक पा जाते हैं, तो सिंपल सी बात है गाइस, 101% आपका 90% स्कोर हो सकता है। लेकिन अगर आपके इतने अच्छे नंबर आएंगे तभी ऐसा हो सकता है, ठीक है? बाकी जो भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल आप लोग परीक्षा की जो तैयारी है उसको बेहद अच्छे तरीके से करिए। जी हाँ दोस्तों, जिन बच्चों का फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया वो बच्चे अब सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी में लग जाए, जिन बच्चों ने अभी थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दिया तो वो बच्चे अब फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी में लग जाए। तो तैयारी करना बेहद ज़रूरी है। बाकी जो भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक लगातार पहुँचाते रहेंगे, चाहे 2019 बैच की हो चाहे 2021 बैच की हो, हर एक अपडेट को हम आप तक पहुँचाएंगे, ठीक है? बाकी जो भी हमारे स्कॉलरशिप का स्टेटस होगा, रिजल्ट कब तक आएगा, हर एक अपडेट को भी हम आप तक पहुँचाएंगे। दलालों से सावधान। जी हाँ दोस्तों, इनसे आपको बिल्कुल सावधान रहने की ज़रूरत है, ठीक है? बाकी जो भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फेल छात्रों के लिए बड़ी खबर। तो गाइस भाई, ये जिन बच्चों की बैक लग चुकी है, देखिए एक बार बैक लग गई कोई दिक्कत नहीं, दो बार बैक लग गई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तीसरी बार बैक लग गई तब देखिए दिक्कत हो जाती है। तो जैसे दोस्तों हमारा सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित होगा, ऑलरेडी बच्चे 2019 बैच के दो दो बार फेल हो चुके हैं। तो गाइस ये आपके पास अंतिम मौका है, नहीं तो फिर प्रत्यावेदन वाली बात आती है, उसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी हैं। तो अगर आप इस बार डीएलएड क्लियर कर लेंगे तो गाइस आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। एक और बड़ी अपडेट निकल कर आई कि राशन कार्ड सरेंडर करने का कोई आदेश ऐसा नहीं है। सरकार ने साफ की स्थिति, निरस्तीकरण या अपात्रों से वसूली के नहीं जारी हुए हैं फरमान। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। अभी तक क्या था, सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा अफवाहें फैल रही थी, वसूली का प्रावधान नहीं। तो ये अपडेट क्या है कि खाद्य आयुक्त के मुताबिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा प्रचलित शासनादेश ने अपाच कार्ड धारकों से वसूली जैसी कोई व्यवस्था निर्धारित नहीं की गई है। विभाग सदैव पात्रों को नियमानुसार नवीन राशन कार्ड जारी करता है। ये दोस्तों बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी। और आप देख सकते हैं राशन कार्ड के लिए ये अपात्र हैं, आयकर दाता हो, 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लाट हो, मकान या फ्लैट हो, चार पहिया वाहन ट्रैक्टर या हार्वेस्टर हो, घर में एसी हो, परिवार की आय गांव में 2 लाख व शहर में 3 लाख रुपए सालाना से अधिक हो, 5 KVA क्षमता का जनरेटर हो या 1 से अधिक शस्त्र लाइसेंस हो, 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो। तो गाइस अगर आपके पास ऐसी है तो देखिए आपके लिए अपात्र घोषित किए जा सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल देखिए कमेंट बॉक्स में हमने डीएलएड रिजल्ट का लिंक से लेकर स्कॉलरशिप हो गया, डीएलएड परीक्षा डेट शीट सारा लिंक दिया है। बाकी जो सुपर टेट की लेटेस्ट अपडेट आएगी वो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है? मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।